हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा सिंह, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, राजस्थान। सो जो आज का वीडियो होने वाला है, इट इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट के लिए जो कि 12th स्टैंडर्ड में है इस साल, एंड दे गोना गिव द नीट 2024 एग्ज़ाम। मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मी कि दीदी, अभी हम 12th में हैं, 12th के साथ हमें कैसे नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 7 महीने रह गए हैं। एंड जो 12th के स्टूडेंट होंगे इस साल, और जो भी स्टूडेंट, इवन दो इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, अगर आप भी देख रहे हैं, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आप सभी को नीट 2024 देना है इस लाइक। एंड यही टाइम है जो कि आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर अभी आपने अच्छे से अपना स्टडी प्लान है, जो आपने अभी अपना स्टडी स्केड्यूल है, उसे सही से मेंटेन रखा लास्ट तक, तो आई थिंक कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट तो ज़रूर मिल जाएगी। सो आई थॉट कि मुझे अभी ये राइट टाइम है बच्चों को सही गाइड करने का, कि उन्हें कैसे अपनी स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उन्हें सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को लेकर जाना है। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करूँ मैं आप लोगों की, तो आई थिंक 12th वाले जो बच्चे होंगे उनके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, राइट? क्योंकि आप लोगों को एक तो आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, देन आपको 11th भी साथ में रिवाइज करनी है, एंड देन उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट इज़ नीट, वो भी आपके, आई थिंक जो 12th के बच्चे होंगे जिन्हें शायद मार्च के लगभग आपका बोर्ड्स का पेपर होगा, एंड देन उसके बाद आपको अप्रैल का टाइम मिलेगा आपकी 11th और 12th पूरी को रिवाइज करने के लिए, एंड देन मई में, 5 मई को आपका पेपर है नीट का। ओके, सो अभी से अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम, मुझे नहीं लगता बच्चा है कि आप कोई भी टाइम अपना थोड़ा सा भी वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो अभी आपको अच्छे से ध्यान से अपना जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसे अच्छे से सुनना है, समझना है, उसी प्लान को फॉलो करना है, सो दैट कि आपको अच्छे से आपकी पढ़ाई मेंटेन रहे, आप एक अच्छे से फ्लो में स्मूथली अपने 11th और 12th दोनों को रिवाइज कर पाओ, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगी, आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा जो 60% क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो वेटेज होता है वो क्लास 11th से बिलोंग करता है, राइट? एंड क्लास जो 12th है उसका 40% वेटेज होता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आई नो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में, तो आप ज़्यादातर लाइक आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे 12th पे ही फोकस कर रहे होंगे, राइट? एंड दे लाइक दे वर थिंकिंग कि चलो 11th है तो 11th में 3-4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करूँगा ऐसा करके, एंड दे आर जस्ट बी इग्नोरिंग 11th क्लास सिलेबस। सो सबसे पहले आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप 11th का जो सिलेबस है उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 11th है उसका जो वेटेज है वो 12th के वेटेज से ज़्यादा है नीट के एग्ज़ाम में, और आपका मेन फोकस नीट है, तो आपको ये नहीं करना कि 11th को बिल्कुल ही अभी से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि अभी तो 7 महीने हैं, जब थोड़ा एग्ज़ाम में कम टाइम बचेगा तो मैं 11th तब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, राइट? एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखो कि जो 11th है उसका वेटेज कैसा, कितना ज़्यादा है रेदर देन कंपेरिजन टू 12th। ओके, सो हमेशा 11th और 12th में बैलेंस बना के चलना है। आई नो अभी आपको बोर्ड्स भी देने हैं, बोर्ड्स के लिए भी देखो 12th पढ़ते जाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि 12th को कम कर दो, 11th को ज़्यादा कर दो अभी से, ऐसा नहीं करना है, 12th भी पढ़ते जाओ, पर अब देखो कि 11th को कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करती थी कि जैसे 12th में एक दिन में लाइक अभी इस टाइम पे मेरा जो नॉर्मल स्टडी था वो 8 से 10 घंटे के बीच में रहता था, लाइक मैं 8 घंटे तो पढ़ ही रही थी, एंड समटाइम्स अगर मुझे कभी ज़्यादा टाइम मिल जाता था तो मैं 10 घंटे के लगभग पढ़ लेती थी इस टाइम पे भी, राइट? सो आपको क्या करना है, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, या इवन दो अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको उसे लाइक 60-40 में डिवाइड कर लेना है। ओके, अपने जो स्टडी आपका टाइम टेबल है उसे 60-40 के रेशियो में डिवाइड कर लेना है। इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, राइट? तो आपको क्या करना है कि 5 घंटे आप 12th को पढ़ो, 12th का जो भी सेल्फ स्टडी है वो करो, एंड देन उसमें से जो 3 घंटे बचते हैं 3 घंटे में आप 11th करो। अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो हमेशा डेली 11th पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 11th इग्नोर कर दो, नहीं, आप अगर आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया 5 घंटे 12th एंड देन 3 घंटे 11th के लिए, राइट? नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इंडिविजुअल टॉपिक्स कि आपको उन्हें कैसे कवर करते जाना है एंड क्या सही अप्रोच रहेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद बायो। आई थिंक बायो 12th की ईजी है और 11th की थोड़ी टफ लगती है, और मुझे लगता है ऐसा ही है क्योंकि 11th में आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है, देन आपके पास उसमें बॉटनी का थोड़ा लाइक कन्फ्यूजिंग टाइप सिलेबस है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंड देन हमारे पास कुछ एनाटॉमी वाला चैप्टर करके है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वैसे चैप्टर्स है, तो थोड़े वो हार्ड पड़ते हैं बच्चों को, उन्हें समझने में थोड़ा टफ लगता है, राइट? तो आपको क्या करना है, देखो अगर मैं बात करूँ 11th की बायो की, तो 11th की बायो तो आप डेली करो, राइट? आप ये अपना बना लो आज से ही टाइम टेबल कि मैं एक चैप्टर 11th का करूँगा, लाइक एक चैप्टर 12th का करूँगा, या जैसे भी अगर 2 दिन में एक चैप्टर कर पा रहे हो 11th 12th का, तो वैसे कर लो। तो ये आपका जो आपका 5 घंटा था
जो 5 आवर्स आपने ट्वेल्थ को डिवोट किए थे उसमें से मैं ये कहूँगी कि आप है ना जो 5 आवर आपने ट्वेल्थ को दे रखे है उसमें आप 11th की बायो को भी इंक्लूड करो। इट मीन्स जब मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उन 5 घंटे में मेरी 11th की बायो भी कवर हो गई, राइट। जो बाकी जो 3 घंटे बचे हैं उन 3 घंटे में फिर आपको अपना 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग से रखो, और बायो को तो डेली पढ़ते ही रहो। क्योंकि बायो देखो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होगी 11th के चैप्टर में बायो के में। अगर दिक्कत है तो उन्हें कभी टाइम निकाल के कवर कर लो, पर कोशिश करो कि 11th और 12th के दोनों चैप्टर को एक साथ ही पढ़ते रहो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना अभी से, लाइक अभी से आपने अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो लास्ट टाइम जाते जाते आपकी बायो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको बस ऐसे एक दिन में आप पूरा 11th और 12th का बायो एक दिन में रिवाइज कर लोगे। एंड मैं खुद ऐसा करती थी, मैं एक दिन में डेली पूरे 11th के पूरे चैप्टर 12th के पूरे चैप्टर NCERT बायो से पूरा रिवाइज कर लेती थी। तो आप सोच सकते हो कि मैंने एग्जाम से पहले दोनों NCERTs को कितना अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। एंड आई थिंक वही रीज़न था कि मेरे बायो में 350 मार्क्स आए थे। ओके, सो आपको भी यही करना है, अभी से अपना डेली प्लान बना लो कि बायो तो मैं डेली पढ़ूंगा, राइट। मैं 11th की भी पढ़ रहा हूँ, 12th की भी पढ़ रहा हूँ, दोनों का चैप्टर या तो एक एक दिन में कर लो, लाइक एक दिन में एक चैप्टर 11th, एक चैप्टर 12th का कर लिया। अगर थोड़ा स्लो ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसा करो कि जैसे 2 दिन का टाइम रख लो, आज 11th पढ़ ली कल 12th पढ़ ली, ऐसा करके कर लो। सो दैट कि आप दोनों के साथ ना यू नो टच में रहो, कि ऐसा नहीं कि 11th की बायो बिल्कुल भूल ही गए, लास्ट में जाते जाते सिर्फ 12th तो आ रहा है बट 11th की बायो भूल गए, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, राइट। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना है बायो में तो, और उसे डेली पढ़ना है। ओके, बायो में आप एक चीज़ और करना है, NCERT एग्जाम्पलर करके बुक आती है तो वो बोर्ड्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी है प्लस ऑब्जेक्टिव भी है, और वो भी कम्प्लीटली NCERT ओरिएंटेड, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में। क्योंकि इन द एंड आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको सब्जेक्टिव भी, आपके लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। आप ऐसा मत करना कि MCQs में चले गए तो आप लिखना ही आपका बिल्कुल स्पीड ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना बोर्ड्स के लिए, और उसके लिए आप NCERT एग्जाम्पलर पे जा सकते हो, राइट। और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, PYQs डेली सॉल्व करो, हो सके तो एक दिन में बायो के तो एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कैसे अप्रोच करना है। सो सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए देखो मैं तीनों को अलग अलग डिवाइड करके आपको बताती हूँ, दैट इज इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, एंड देन लास्ट वी विल लुक एट फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सही अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले ये देखो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग और जो पीरियडिक टेबल करके जो चैप्टर है, राइट, चैप्टर 3 और 4 वो आपको आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो देन एक बार आज उसे जाके अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद क्या रहेगा कि जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना 12th में, जैसे कि आप 12th में पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, आप लाइक कोई भी पी ब्लॉक करके हो गया, एंड देन लाइक DNF ब्लॉक एंड S ब्लॉक आई थिंक, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप आज 12th का पी ब्लॉक पढ़ रहे हो ना तो उसके साथ 11th का पी ब्लॉक भी पढ़ लो, साथ साथ में ही पढ़ लो, ताकि उससे क्या होगा, एक तो आपका अगर जो क्वेश्चन आने वाला होगा उस ब्लॉक केमिस्ट्री में से तो वो कहीं भी मिस नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपने पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री NCERT से अच्छे से पढ़ ली होगी, सो दैट आपकी इनऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, राइट। सो आज जाते ही एक बार ये करना कि देखना कि पीरियडिक टेबल वाला चैप्टर आता है या नहीं, केमिकल बॉन्डिंग वाला आता है या नहीं। आता है तो देन उसके बाद क्या करना कि ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो अगर अभी चल रही है, तो जब आपको मान लो जैसे आपके टीचर आपको पी ब्लॉक पढ़ाने वाला है या कभी भी पढ़ाते हैं, अभी कभी भी क्लास हो, तो उससे पहले क्या करना कि एक दिन पहले जाके 11th भी पढ़ लेना, 11th का जो पी ब्लॉक है वो पढ़ लेना, सो दैट कि आपको 11th का पी ब्लॉक आएगा तो आपको 12th को जो 12th का पी ब्लॉक है उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का बस यही सेंस है कि आपको इनऑर्गेनिक को भी, जैसे मैंने आपको NCERT के लिए बताया था ना कि साथ साथ ही पढ़ना है, तो इनऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे NCERT बायो की NCERT जैसा ही लगता है कि आपको उसे भी उसके सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली भी पढ़ रहे हो ना NCERT से, तो आई थिंक उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी उसे याद करने में, और क्योंकि जस्ट वो 11 से लाइक 11 और 12 आपस में कनेक्टेड है, तो उन्हें अगर आप साथ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा रेदर देन अलग अलग पढ़ने में, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्या करना, आई डोंट नो अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक स्टार्ट हुई है या नहीं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्ट हो गई है तो देन तो वेल एंड गुड, आपको उसके साथ मैं अभी बता दूंगी आपको क्या करना है। अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो अभी इस टाइम पे, सो दैट जब वो स्टार्ट होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एंड प्लस आपका 11th भी कवर हो जाए। तो देखो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, GOC है, हाइड्रोकार्बन्स करके है, एंड देन एल्कीन्स एंड एल्कीन्स ऑल दीज थिंग्स, एंड आई थिंक इतना ही है, मुझे इतना याद नहीं है, बट आई स्टिल रिमेंबर कि ये तो बेस है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि GOC है, हाइड्रोकार्बन्स है, एंड ऑल दीज। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जैसे अभी तक अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है तो देन तो आप अभी उसके साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो GOC और हाइड्रोकार्बन्स को, या फिर आप कभी
टाइम निकाल के ये सोच लो कि यार आज का दिन है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही पूरा देना है, तो आज मैं जीओसी रिवाइज करूँगा या हाइड्रोकार्बन रिवाइज करूँगा। अभी तक नहीं स्टार्ट हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जहाँ पे भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो देन उसके बाद क्या कर सकते हो कि जैसे आप डेली आपकी इनऑर्गेनिक हो रही है, आपकी 11th की बायो भी हो रही है, तो 11th की बायो इनऑर्गेनिक डेली हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप एक दिन ऐसा कर लो कि एक दिन 11th की फिजिक्स को कवर करो, एक दिन ऑर्गेनिक या फिजिकल को कवर कर लो, राइट, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को, सो दैट कि आप उनके साथ भी टच में रहो। एंड जस्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कब जीओसी पढ़नी है, कब हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, जब भी आपको लगे कि हाँ यार आज का टाइम है, आज या तो संडे या कभी भी जब आपको फ्री टाइम मिले, तो उस दिन निकाल के एक बार जीओसी को देख लो, हाइड्रोकार्बन्स को देख लो। अगर थोड़ा सा कोई डाउट होता है किसी मैकेनिज्म में, तो ऑनलाइन लेक्चर किसी भी टीचर का आप यूट्यूब से देख सकते हो, सो दैट कि आपका जो आपके पहले के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो जो आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली है ना, वो आपको अगर आपको 11th नहीं आती तो तब तक आप अच्छे से कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपने 11th में पढ़ा है, जो बेस आपका तैयार हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में, वही आगे जाके आपकी 12th के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, राइट। सो आपको ये करना है, और प्लस 11th में मैं ये कहूँगी कि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, राइट, बैक में दिया होता है, वो अच्छे से करके जाना, और इंटेक्स भी अच्छे से करना, क्योंकि वो आपके बोर्ड्स के लिए और आपके नीट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इनऑर्गेनिक में भी इंटेक्स अच्छे से करना, एंड देन इसके लिए भी हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, तो आप उसे कर सकते हो। प्लस आप अपने जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, आपके बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं रिसेंट ईयर्स के, उन्हें आप देख के जा सकते हो एक बार अपने एग्जाम से पहले, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे पेपर में, मैं जो इस साल अटेम्प्ट करने वाला हूँ, सो दैट आपको एक यू नो एक रफली एक आइडिया मिल जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा ये अप्रोच होना चाहिए, मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, एंड यू आर गुड विद दैट, ऐसा करके। ओके, नाउ कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आई नो थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें आपके जो 11th के चैप्टर्स की मैं बात करूँ, तो वो थोड़े ज़्यादा टफ है इन कंपेरिजन टू 12th के चैप्टर। जैसे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है, एंड देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स, एंड कुछ बच्चों को मोल भी चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, राइट। टाइम स्लॉट करके बना लो, राइट, कि जैसे मैं क्या, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती कि मैं 11th तो लाइक 11th का क्या करती, 12th तो मैं डेली पढ़ रही हूँ 5 घंटे, तो जो मेरे 3 घंटे मैंने आपको बताया था ना, लाइक आपको जो 60-40 या ऐसे करके डिवाइड करना था अपना टाइम, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आज ये डिसाइड कर लो कि यार जो आज 11th के 3 घंटे उसमें पूरा मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, राइट, अलॉन्ग विद द 12th सब्जेक्ट। तो 12th का डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 11th की बायो, चार चीज़ें आपको डेली पढ़नी है, राइट। उसके साथ आप एक दिन तो ले लो केमिस्ट्री ले लो, एक दिन फिजिक्स ले लो, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसी टाइप की, विच टाइप ऑफ केमिस्ट्री यू वांट टू स्टडी, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है ऑर्गेनिक, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, और फिजिक्स पढ़नी है तो उसे ऐसे करके, लाइक सो दैट 3 आवर का जो आप टाइम है, बिकॉज आई नो 3 घंटे में आप ज़्यादा सिलेबस तो कवर नहीं कर पाओगे 11th का, बट जो भी आप कवर करो उसे अच्छे से पढ़ पाओ, तो दैट वुड बी बेटर। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इक्विलिब्रियम वाला, थर्मोडायनेमिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से जो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है वो भी ज़्यादा होता है, तो जस्ट बिकॉज ये 11th में है और आप अभी 12th का पढ़ रहे हो, तो इन्हें इग्नोर नहीं करना, इन्हें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। अगर इनमें डाउट होता है तो अपनी फॉर्मूला शीट्स मेंटेन रखो, अपने जो कंसेप्चुअल शीट्स होती है उन्हें मेंटेन करो, एंड देन इसके जो इंटेक्स्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम में अगर थोड़े ज़्यादा इंटेक्स्ट है तो उसमें दिक्कत आती है, तो यू कैन लीव them, but try to make sure कि आप एनसीईआरटी तो मैक्सिमम कवर करते रहो। एंड नाउ दैट्स इट फॉर लाइक केमिस्ट्री, एंड देन कमिंग टू फिजिक्स। तो फिजिक्स, आई थिंक फिजिक्स की जो केमिस्ट्री है 11th की, दैट इज़ अ लिटिल बिट आई थिंक ईजी रेदर देन 12th, राइट, क्योंकि 12th में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स है, देन मैग्नेटिज्म है, देन वी हैव द मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, राइट, सो देर इज सो मच थिंग्स इन लाइक 12th फिजिक्स। तो आई विल से कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कर सकते हो कि देखो ऐसा करो कि एक दिन है ना, जो 12th के थोड़े टफ होते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैं पढ़ रही हूँ लाइक इलेक्ट्रोस्टैट, मैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरी टॉपिक पढ़ रही हूँ, राइट, इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड ऑल दीज चैप्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर है वो पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि जो 11th का थोड़ा सा ईजी है, ईजी इन द सेंस कि मैं वेव्स ले लिया उसके साथ, राइट, तो ऐसा करके जो आपको ईजी और हार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप आज ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो और आज आप रोटेशन दोनों को साथ में ही पढ़ने लग गए, तो देन तो आप नहीं कवर कर पाओगे। तो फिजिक्स को कवर करने का सबसे बेस्ट लाइक अप्रोच यही रहेगा कि ऐसे कर लो जैसे कि आज मैं अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मॉडर्न फिजिक्स के साथ मैं एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन कर लेता हूँ 11th का, सो दैट कि मैं दोनों के साथ टच में रहूँ। या आपको एक दिन में नहीं करना है, आप 11th को 2 दिन में भी कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैपेसिटी क्या है, राइट, आप कैसे किस स्पीड से सॉल्व कर पा रहे हो चैप्टर्स को, किस स्पीड से आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर कि अगर आप 12th का कोई टफ चैप्टर लेते हो तो उसके साथ 11th का कोई ईजी चैप्टर ले लो, सो दैट कि दोनों में बैलेंस बना रहे और आप दोनों को पढ़ भी पाओ, राइट। देन एनसीईआरटी पढ़नी है आपको फिजिक्स की भी, मैं बता रही हूँ आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी आपकी थ्योरी क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड आई विल से कि जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे ना नीट में, असर्शन रीजन भी आपके आ सकते हैं, मैचिंग वाले आ सकते हैं,
एंड लेकिन लाइक पेपर कैसे भी तरह से यू नो नीट का पेपर कितना अनप्रडिक्टेबल होता है तो यू डोंट नो, सो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपनी जो एनसीईआरटी उसे तो कवर अप रखें ताकि आपको बाद में जाके ऐसा नहीं लगे कि यार एनसीईआरटी सबसे मेन बुक थी बट मैंने स्टिल इसको इग्नोर कर दिया एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरे स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, राइट? सो आप हमेशा तैयारी रखो कि एनसीईआरटी फिजिक्स की भी पढ़नी है, अगर दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो यू शुड रीड, आपको दूसरों बच्चों से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं अपने स्कोर को कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? आई जस्ट वॉन्ट अ गवर्नमेंट MBBS सीट तो मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको करनी चाहिए। फिजिक्स की NCERT आई नो लोग नहीं पढ़ते बट आपको करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद NCERT एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी चाहिए, अपने जो PYQs है अच्छे से उन्हें कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अच्छे से समझ समझ के करना चाहिए। और फिजिक्स में तो मैं ये कहूँगी कि डेली 50 से 100 क्वेश्चन, राइट? 100 अगर नहीं हो पाते तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो आप डेली के सॉल्व करो, सो दैट कि जब पेपर में आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो उन्हें करने में आपको काफ़ी फास्ट रहेगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, राइट? एंड उसके बाद अपने नोट्स को, अपने फॉर्मूला शीट्स को तरह से कि जो फॉर्मूला शीट्स आपने बनाई होगी ना 11 के सारे फॉर्मूलाज को और 12 की फॉर्मूलाज को उन्हें लिख के उन्हें तो डेली याद किया करो, सो दैट कि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूलाज अच्छे से मेंटेन रहे एंड आप कुछ भी भूलो ना एग्जाम तक, और अच्छे से एक बार पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से हो जाए, राइट? एंड आपको रिविजन में भी जल्दी से हेल्प हो, ओके? सो अभी आपको यही करना है, आपको मेंटेन रखना है कि आप ना 11th और 12th में बैलेंस बना के चल रहे हो, एंड जस्ट नॉट कि आप कंप्लीटली 12th पे ही फोकस हो गए। 12th को पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि 12th को इग्नोर कर देना, 12th को ज़्यादा टाइम दो बट 11th को भी उसके साथ मेंटेन रखना है, ओके? दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाऊं। देखो पढ़ाई आपको खुद ही करनी होगी, राइट? मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरी 12th में क्या चीज़ें बैकलॉग में है, 11th में क्या चीज़ें मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं उन्हें अभी अपना स्ट्रांग कर लूँ, क्योंकि ये टाइम है कि इस टाइम पर अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया, राइट, आपने थोड़ा सा भी अपनी स्टडी को डिले किया कि नहीं यार आज नहीं पढ़ता हूँ, आज थोड़ा थकान हो रहा है या कुछ भी किसी भी एक्सक्यूज़ के कारण, तो देन उसके बाद आपके पास बाद में टाइम नहीं बचेगा। और जो 12th में उनके पास आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर यू गाइस, क्योंकि आपको 11th भी रिवाइज करनी है, बोर्ड्स भी है, नीट भी है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड या अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर से हो जाएगा, राइट? जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो इस टाइम पे, सो दैट कि आप आगे जाके एक अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाए और आपको एक MBBS सीट मिल सके, राइट? सो आई थिंक दैट्स इट, आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जो ये वीडियो मैंने अभी बनाया है ये भी मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला था कि हम अभी 12th स्टैंडर्ड में तो हमें किस पे लाइक कैसे गाइड कर, आप हमें गाइड कीजिए प्लीज़ ऐसे करके, सो आई थॉट मैं दूसरे बच्चों को भी बोलूँ कि उन्हें क्या डाउट है, उन्हें किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, आप जिस भी टॉपिक पे बोलेंगे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूँ। सो या जस्ट अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपने स्टडी प्लान को मेंटेन रखना है, जो मैंने आपको बोला है उसे प्लीज़ ट्राई टू यू नो लाइक इम्प्लीमेंट कि आप थोड़ा उसे कर पाए, राइट, अपनी स्टडी में वो चीज़ें लेके जा पाए, और सो दैट कि आपका अच्छे से पढ़ाई चलती रहे, ओके? सो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके गाइज, बाय।